एक मुझे खीरा काट के दे दो बस। अरे खीरा धुल के ले जाते जो बोले कल दिखा देता है तो। सो गाइस यहाँ पे मैं खा रही हूँ, क्या खा रही हूँ, अरे अंगूर, बहुत मीठे हैं अंगूर। एक मुझे खीरा काट के दे दो बस। अरे खीरा धुल के लेके आओ जा। हर महादेव। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब, बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था बनाने का, तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी तो नहीं बनाई थी। आज मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जो भी 2-5 मिनट का शूट हो जाता है कर देती हूँ। कल हॉस्पिटल भी जाना था, नहीं जा पाई थी क्योंकि पतिदेव कल ऑफिस के काम से बहुत दूर निकल गए थे, उनको आते आते बहुत लेट हो जाता, डॉक्टर भी उठ जाते जो बोले कल दिखा देता है तो आज दिखाएंगे। मैं खा पी के रेडी हो जाती हूँ, यदि मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मुझे बस एक ही नशा है, वजन कम करना है, कैसे भी करके वजन कम करना है। और खाती हूँ बाहर में कुछ तो मैं वही इडली खाती हूँ, इडली मुझे बहुत पसंद है, वो भी ज्यादातर मैं संडे को ही खाती हूँ। हंस रही हो, चलिए बने रहिए ब्लॉग में, खाने के बाद मिलती हूँ। अच्छे में जब कितना डाला, एसिड का बोतल होगा, एसिड बोतल है, एसिड बोतल। सो गाइस मैं आ गई हॉस्पिटल से और इतनी भीड़ थी, 1.5 घंटा लग गया। डॉक्टर ने जो ऑपरेशन था उसको खोल दिया है, सूखने के लिए बोला। मैं पूछी क्यों दर्द हो रहा है, फीवर आ रहा है, बोले कि अम्मा एक सुई लगाते हैं तो 3 दिन परेशान होते हैं, दर्द रहता है, ये तो ऑपरेशन है तो दर्द तो रहेगा ही। और दर्द की दवाई जो लिखी थी वो 3 ही टैबलेट लिखी थी, फिर उन्होंने लिखा है। अब भूख लगी है, आर एस बोली पहले मुझे ब्रेड गरम करके दो, ब्राउन ब्रेड है और 1 गिलास दूध दो हल्दी वाला, तब जाके मुझे आँखें दिखेगा, तो उसको खा के फिर मैं दवाई खाऊंगी। अभी दवाई नहीं खाई हूँ, वही जाते समय जो मैंने फ्रूट्स खाए थे जाते समय, क्या 5:30 बजे का ही अंगूर जो खाई हूँ वही खा के हूँ। और इतनी तेज़ भूख लगी है ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मैं सोच रही थी कुछ खा लूँगी, फिर मुझे याद आया कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना है। और नारियल पानी देख रही थी तो मुझे नारियल पानी दिखा नहीं, जब नारियल पानी नहीं दिखा तो फिर मैं नहीं पी, क्योंकि डाइटिंग पे हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता ये सब, तो इसलिए यही है। लगी है भूख, अब बारह जल्दी से लेकर आए तब मैं कुछ खाऊँ, मुझे भूख लग जाती तो मुझे, मेरे में यही प्रॉब्लम है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। सोची थी आर्या को फ़ोन कर दूंगी लेकिन टाइम ही नहीं मिला फ़ोन करने का, हो गया तुम आई तो मुझे लगा हो गया, ला मुझे भूख लगी है। मेरे हाथ में क्या
ब्रेड बनाने में कितना टाइम लगता है रे? 2 सेकंड। ब्रेड गरम करके देना ही तो है। वही तो बटर वटर लगाना है? नहीं बटर नहीं लगाना है, घी लगा दो। मैं लगा चुकी। तो अच्छा दही दे भाई, जैसे जैसे है वैसा दो। भूख लगी है, भूख लगी रहती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मिल जाए तुरंत खाने के लिए। सोच रही थी इडली खाऊंगी, फिर 9 बज गया था, 9 बजे इडली नहीं खाना, मतलब 9 बजे अगर इडली खाऊंगी तो पचेगा नहीं, तो इसलिए नहीं खाई। 2 ब्रेड खा लेती हूँ, 2 ब्रेड खा लूँगी तो शांत हो जाएगा, 1 गिलास दूध पी लूँगी तो पेट भर जाएगा, तो वही वेट कर रही हूँ। लेकर आ गया रे, ये देखो आ गया मेरा ब्रेड। मेरा भी ब्रेड आएगा, मैं खा लूँ भूख लगे। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो गाइस यही आज कल ब्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये तो अपनी कार की चाबी है। बाय बाय।